साहब, पस मंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। पुंछ में जहां पे डिप्टी कमिश्नर जो नए हैं राहुल यादव इससे पहले महेंडर में रह चुके हैं। महेंडर में वो एसडीएम रहे हैं, एक आईएएस अफसर हैं और बेहतरीन और एक अनेस्ट ऑफिसर हैं। उनका जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बता रहा है कि वो एक बेहतरीन अफसर हैं और यकीनन पुंछ के लिए अब एक और आईएएस अफसर जो यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से तैनात किया गया है वो बेहतर काम करेगा। आज हम भी जानना चाहते थे क्योंकि आप तक हमें बताना था कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके साथ पसमंजर न्यूज़ के साथ खसूसी और एक्सक्लूसिवली हमारी बात हुई है उनसे। अब जो डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है उन्होंने बाजाब्ता तौर पर आज संभाल लिया है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल यादव जी से किया गया ये इंटरव्यू। राहुल यादव जी, आप हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ और आपने इससे पहले एसडीएम, आप महेंडर भी रहे हैं और आज आपने पुंछ में एज ए डीसी ज्वाइन किया है। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ वैसी सोच होती है एक आईएएस अफसर की जब वो नए किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है। जैसे कि आपने आप जानते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पे एसडीएम मेंडर में वर्क कर चुका हूँ और थोड़ा सा मेरे को यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया भी है और मैं कोशिश करूँगा जो लोगों की जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है उसका बेटर सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सके, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करके उसको बेटर सॉल्व किया जा सके। और अगर किसी को भी कोई भी इशू है तो एनी टाइम दे आर वेलकम, किसी भी टाइम अगर आना चाहें, अपनी कोई भी समस्या बताना चाहें तो इस ऑफिस में वो कभी भी आकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों से मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकूँ और उनकी जो भी उनकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है उनको समझ सकूँ और उनका बेटर सोल्यूशन निकाल सकूँ। और इसके साथ ही जैसे यहाँ पे डीसी साहब ने, जो पिछले डीसी साहब ने, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे सो वो भी कंप्लीट हो पाए सो दैट कंटिन्यूशन रहे एक एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई ब्रेक ना हो। और जो भी लोगों के मसाइल हैं, जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि मेरे को पहले से भी कुछ का आइडिया है, जैसे हमारा परनाई का प्रोजेक्ट है या फिर 132 केवी लाइन है, उनके जो इशू हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके ताकि लोगों की बेहतरी हो, पूरे जो हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसकी बेहतरी हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर हैं वो पुंछ में बेहतर काम करेंगे और ख़ासकर जो आईएएस अफसर होते हैं इनके लिए एक चीज़ मानी जाती है कि एक तरफ जहां ये ऑनेस्ट होते हैं वहीं दूसरी तरफ ये बाइज्ड वर्क नहीं करते। ये हर इंसान, हर मकबाए फ़िक्र के जो लोग हैं उनके साथ बेहतरी से चलते हैं और एरिया की डेवलपमेंट होती है, इसीलिए अक्सर ये चीज़ें मानी जाती हैं और कही भी जाती है आवाम की जानिब से कि अगर कोई आईएएस अफसर हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में बेहतर वर्क्स भी होते हैं, आईपीएस हो तो इसे लोग बड़ा बेहतर मानते हैं। यकीनन हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक आईएएस अफसर गया है तो यकीनन एक और अफसर, आईएएस अफसर मिला है। हमें उम्मीद है कि पुंछ में जो बेहतर वर्क कल्चर है वो होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे दोस्तों, इसी अंदाज से हमें जो है आप जिस तरीके की मोहब्बतों से आप हमें नवाज रहे हैं लगातार और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए और यकीनन हम आपको आने वाले समय में कुछ और बेहतर जो है पसमंजर न्यूज़ पर आप देख पाएंगे।